हे गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हो अपना चैनल इमोर्टल एसजी। तो गाइस, आज है 2 अप्रैल 2023 और दिन है संडे। तो अभी टाइम बज रहा है लगभग 11:30 और आज हम जा रहे हैं नोएडा। नोएडा स्टेडियम में एक श्योरेंस कैफ़े है, आउटिंग कैफ़े है, तो वहाँ पे हम एक मिलने जा रहे हैं बहुत बड़े यूट्यूबर से। तो यस, मैं, रितु और निया अभी बस निकलने वाले हैं क्योंकि 12 बजे का मीटअप है और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। 11:30 हम लोग को यहीं बज गए हैं। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, रितु और निया भी रेडी होकर नीचे जा चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो हम फटाफट से चलते हैं नीचे, उन लोगों से मिलते हैं और भागते हैं नोएडा स्टेडियम की तरफ। आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो बहुत ही फेमस यूट्यूबर्स हैं, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, और अभी हम जाके उनसे मिलते हैं, देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी रह पाती है, क्या बातें हम उनसे कर पाते हैं, या शायद इतनी भीड़ हो कि हम मिल भी ना पाए। तो वो तो एग्जैक्ट सिनेरियो वहीं जाके पता चलेगा। हम फटाफट से निकलते हैं, मैं आपसे मिलता हूँ रास्ते में और फिर डेस्टिनेशन पे पहुँच के, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। बाय। तो गाइस, मैं आ गया हूँ नीचे अभी तैयार होके। यहाँ पे रितु और निया कर रहे हैं नाश्ता। डन, देखो हम आज मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं दोनों, सुंदर सुंदर। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े के पास। ये है नोएडा स्टेडियम, पीछे आप देख रहे हो, और टाइम हो रहा है लगभग 12:15 बजे। और लास्ट में हमारे पीछे ये आप देख रहे हो, ये है कैफ़े। तो यहीं है मीटअप रियल हिट टीम का। पीयूष गुजर, शुभम गांधी और दीपक दिल्ली तीनों आने वाले हैं। तो जस्ट अभी हमारी टीम से बात चल रही थी, दे आर ऑन देयर वे। तो निया भी यहाँ आ चुकी है। हेलो निया। हेलो। और रितु भी आ गई है। तो अब चलते हैं फटाफट से कैफ़े पे और वेट करते हैं टीम का, फिर मिलते हैं उन लोगों से। गाइस, तो हम गलत कैफ़े पे आ गए थे। यहाँ पे 2 शीरोज़ कैफ़े हैं, गेट नंबर 4 पे है और एक अंदर आर फिटनेस जिम के पास है। तो हमें दूसरे वाले कैफ़े पे जाना है अभी। तो गाइस, ये वाला शीरोज़ हैंगआउट कैफ़े है जहाँ पे टीम रियल हिट अभी आने वाली है। तो अभी वेट कर रहे हैं सब लोग उनका। पीयूष भाई और दीपक दिल्ली भाई आ चुके हैं पीछे, अभी फुर्सत में मिलेंगे उनसे थोड़ा सा चिल्ड होके। मालूम पड़ी क्या होगी, हम लोगों ने सबको पर्सनलाइज्ड मेल और व्हाट्सएप मैसेज क्यों किए थे, ताकि हम लोग सबसे पर्सनली मिल लें ऐसे आराम से। तो सबके क्या हाल है भाई, बहुत आ रही है भाई। चितरंगी ब्लॉगर है शोर मचाते ब्लॉगर, उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ ये जगह हमने क्यों चूज करी। शीरोज़ जो कैफे है, यहाँ पे हमने अपना भी कोई पोस्टर नहीं लगाया, और यहाँ पे इवेंट करने का मेन मकसद ये था, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स होते हैं, जो छपाक मूवी हम सबने देखी, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स है वो सब मिलकर ये कैफे चलाते हैं। तो जब हमें पता चला, हमें लगा यार हम अपने थ्रू अगर इतने लोगों को भी अवेयर करते और इतने लोगों के ब्लॉग में भी ये जगह चली जाए तो बहुत अच्छा, हम सबसे एक नेक काम होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
चाहता हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब होगी जब हम अपने ब्लॉग में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे रियल एक और अपने साथ इनको भी टैग करेंगे। तो प्लीज ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी दूर से आए हो हमारे लिए और एक एक को प्यार है भाई सबको। चलो एक बार लास्ट बार हो जाए, डर रहे हैं सबसे, जो भी हो पाएगा हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए। डेफिनेटली थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए और हम लोगों का नोएडा में ही नहीं, हम लोगों का आगरा और लखनऊ में भी कैफे चलता है, जो कि आगरा वाला कैफे 2016 में स्टार्ट किया था और लखनऊ वाला 2016 में। तो आप कानपुर से ना सुन रहे थे, कोई कानपुर से आया है और अलग अलग स्टेट सिटीज से आप लोग आए हैं, यूपी में या हरियाणा से भी आए हो, तो मुझे लगता है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं या कैफे हैं तो आप लोग जा सकते हो वहाँ पे। और प्रमोट करने के बाद है कि आप यहाँ पे फोटो लो और शिरोज को जरूर टैग करना, स्टॉप एसिलटैग को टैग करना, तो अच्छा लगेगा कि मतलब आपके साथ साथ शिरोज का भी प्रमोशन हो जाएगा और अच्छा होगा और आप अपने इवेंट्स, बर्थडे पार्टी और वो सब चीजें यहाँ पे रख सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्लिक बेट कितना इम्पोर्टेंट होता है एक यूट्यूब के लिए, अगर आपका कंटेंट अच्छा हो या एवरेज हो, लेकिन क्लिक बेट कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप यूट्यूब करना चाहते हो या इंस्टाग्राम करना चाहते हो? भाई देखो, आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हो, डोमिनोज का बर्गर खाते हो और मतलब पिज्जा खाते हो, आपको पता है वो प्रोडक्ट अच्छा है, बट उसके बारे में पता कैसे चलेगा जब वो मार्केट होगा, है ना? तो क्लिकबेट गलत नहीं है, क्लिकबेट बस एक मार्केटिंग है, क्लिकबेट बस एक वो चीज है जिससे आप लोगों को अपने चैनल पे ला सकते हो। अंदर का कंटेंट क्या है वो आपका खेल है, तो अगर आप क्लिकबेट कर रहे हो कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपके कंटेंट में दम है और आप क्लिकबेट कर रहे हो, एक बार तो ऑडियंस आ गई और अगर वो सैटिस्फाई हुई तो सब्सक्राइब भी करके जाएगी और दोबारा भी देखेगी, पर अगर क्लिकबेट कर दिया और कंटेंट अच्छा नहीं है फिर वो दोबारा नहीं है, आप लोग पूरे व्यूअर्स नहीं हो। भाई अगर वो लड़ाई के बाद आपसे बात करना बंद कर दे तो वो आपका दोस्ती नहीं है, अगर वो आपसे लड़ाई के बाद दो चार गुड दिन आपके अगले दिन आपके साथ बैठा हो, बाकी दोस्तों देखो जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है कि कल को लड़ाई हो गई, पैसा कम ज्यादा हो गया, तो जब भी काम साथ शुरू करो ना, जब भी काम अपने दोस्तों के साथ शुरू करो, पैसे को साइड में रख के शुरू करो। सपना था आज ये हकीकत हो गई। वन मोर क्वेश्चन सर, आपकी यूट्यूब जर्नी में सबसे बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ क्या हुआ है? भाई बुरा अगर देखने जाओ ना तो रोज कोई बुरा होता है, बिल्कुल। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कल क्या हुआ। अब सपना चौधरी जी का पॉडकास्ट आ जाया है, बिल्कुल हम सबको पता था। तो कल क्या हुआ, मैंने उनको वो भेजी वीडियो कि हम क्या करते हैं आर्टिस्ट को ना एक बार वीडियो भेजते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन कटवाना है तो आप कटवा लो। उन्होंने गलती से क्या करा, अपने हैंडल पे वो पॉडकास्ट डाल दिया और वो दूसरा चैनल था, छोटा चैनल था और हमारी फट गई कि भाई ये क्या हो गया यार, अब मेन वीडियो डालेंगे तो व्यूज नहीं आएंगे। बिल्कुल, पर हमें उस चीज को ना टेंशन ज्यादा ली नहीं कभी कि ये बुरा हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, जो चीज ढूंढने जाओ वही दिखती है, समझ रहे हो? तो बुरा देखने जाओगे तो हर रोज कुछ बुरा होता है, हमारे पॉडकास्ट पे लाइट चली जाती है ये भी बुरा होता है, पर हम ध्यान नहीं देते। पर भाई बुरा अगर नहीं होगा तो सीखोगे कैसे? सीखना बहुत जरूरी है भाई, उस चीज से इंसान सीखता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पीछे देखोगे ना तो इंडिया नेशनल टीम के व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर्स भी हमारे बीच में, कॉलेज कर रहे हैं पर साथ साथ बास्केटबॉल खेलते हैं, वो भी व्हील चेयर पे, और हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हमारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जब आप कॉमेडी स्केचेस देखते थे हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो बनाते थे, पर अब वो कम हो गए, तो उस चीज में बजट, टाइम और सब चीजें बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि अब आपके पास नेटफ्लिक्स भी है, एमएक्स प्लेयर भी है,
तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम भी उस लेवल का कॉन्टेंट बनाए जिसके लिए लगता है टाइम, पर जैसा भाई ने बताया कि टाइम देंगे तो चैनल हो जाता है इनएक्टिव। तो एक रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए हमें एक ऐसा कंटेंट लाना पड़ा जो रेगुलरली आप देख सकते हो, हर संडे अपलोड कर सकते हैं, उसमें बजट भी नहीं है, उसमें ज्यादा वो भी नहीं है, प्लस हमारे सारे भाई लोग दोस्त लोग हैं जो जिनकी जर्नी आपको नहीं पता, तो वो हम एक मीडियम बन जाते हैं आपको बताने, तो इसलिए हमें ये कॉन्टेंट लेकर आए। बाकी स्केचेस भी आएंगे, टाइम के साथ आएंगे पर आएंगे। आपने पॉडकास्ट करा तो फिर कोई ऐसी भाई जो हमारे साथ जितनी भी पर्सनालिटीज आई है, जितनी भी सेलिब्रिटीज आई है, सबके सब बहुत ही ज्यादा हम्बल रहे हैं या हम्बल बनते हैं हमारे साथ। जितने क्रिएटर्स है ना, जितने हमारे जैसे भाई लोग हैं, उन्हें आपने बनाया है ना, तो सबको इस चीज की कदर है। कोई हमारे सामने आके हवाबाजी नहीं करता या कोई ऐसा नहीं है, अदरवाइज वैसे तो यार कैमरा कौन ही फेक करेगा, तो हमें कोई ऐसा फेक नहीं लगा। बट हाँ, कुछ ऐसे लोग है जैसे परमेश पाली से लगे पुनीत। सुनो सुनो, अगर बात पुनीत भाई की हुई नहीं है तो कैमरा बंद करो, तब बात करूंगा। बंद कर दिया भाई, भूल गया भाई, भूल गया, 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 भूल गया। पुनीत भाई बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं है, उनके साथ पॉडकास्ट बहुत चल जाएगा, और ये तो कॉन्ट्रोवर्सी तुम लोगों ने बना दिया मैं फालतू की। क्वेश्चन ये है कि आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, आपके लिए सबसे बड़ा मोटिव अपार्ट फ्रॉम मनी? हमारी दोस्ती, कहने के लिए बात है, पर सही बात है भाई, हम जब रोज सुबह घर से निकलते हैं, आप लोग भी अगर घर से निकलो और दोस्तों यारों से मिलो, हंसी मजाक करो और इसी में काम भी हो जाए, इससे बढ़िया क्या होगा। बट मैं आप तीनों में से मैंने चीज नोट करी है, मैं डेली ब्लॉग कोड पॉडकास्ट सब देखता हूँ, बट सबसे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आप में है, तो उसका राज क्या है यार? वो एक पर्सनालिटी ट्रेट होती है ना, आपकी पांचों फिंगर सेम नहीं है, एक लंबी है एक छोटी है, तो वो तो पर्सनालिटी ट्रेट है, ऐसा नहीं है कि जिनमें रहते हो वैसे ही हो जाओगे, है ना। हमारे गांधी भाई है ना, ये इतने बढ़िया प्रोफेशनल स्पीकर है ना, तुम्हें पता नहीं है, भी कोई ऐसे एंकर होना चाहिए, क्लास ले लेंगे, से क्लास ले लेंगे। बाकी हमें तो दीपक भाई से क्लास ले लेंगे, दीपक भाई कॉमेडी वगैरह ऑन टॉप यार, सैल्यूट भाई, बिल्कुल भाई। हेलो जी, मेरा क्वेश्चन था, भुवन बाम और कैरी मिनाती कब आएंगे आपके पॉडकास्ट में? देखो ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, अभी 3 दिन पहले रात को 2:30 बजे मेरा फोन पे मैसेज था रोहित भाई का, जो बीबी भाई के मैनेजर है भुवन भाई के, तो वो बता रहे थे कि भुवन भाई और रोहित भाई परमानेंटली बॉम्बे शिफ्ट हो गए, अब वो वही काम कर रहे हैं, तो दिल्ली जब आएंगे तो भुवन भाई का तो पक्का है, कैरी भाई को भी हम पकड़ रहे जरा। थैंक यू। डरे जिम करे देखती है तो खुद भी करती है, तो ये डायलॉग में से बोलती हूँ तो ये भी उसे फिर रिपीट करती है, बोलो नहीं है? अब थोड़ा शर्मा गई, वरना आते आते भी यही बोल रही थी, डरे जिम करे। थैंक यू भाई। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, मैं आपको बता दूं, संदीप महेश्वरी भाई के शो पे हम लोग जाने का सीन हुआ था, लेकिन बात ऐसी हुई कुछ कि संदीप भाई कहते कि आना पड़ेगा, क्योंकि टीम से मतलब बात चल रही थी हमारी, तो आगे से ये आया कि भाई शो पे आ जाओ, और लेकिन किसी एक को आना पड़ेगा, और तुम जानते हो कि जहाँ तीनों भाई जाते हैं साथ जाते हैं। एक और क्वेश्चन, हाँ भाई प्लीज, आपकी विल पावर इतनी वो कैसे अच्छी, कैसे वो क्या चीज है भाई? हाँ पूछो, आपकी दोस्ती के बहुत सारे किस्से हैं, अगर मैं पूछना चाहूँ कि बॉलीवुड की जो है, बॉलीवुड की
मुझे लगता है दिल चाहता है मैं बैठते दिल चाहता है भाई हमारे अक्षय खन्ना के पहले में ऐसे इंटरेस्ट वाइज भी थोड़ी बढ़िया गांधी भाई तो आमिर खान होंगे उसके और सैफ अली खड़े ही सर आप लोग शॉर्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट ज्यादा भाई देखो सीन क्या बन गया है अगर बात रही शॉर्ट कंटेंट की अभी ना आजकल लोग ना शॉर्ट कंटेंट बहुत देख रहे हैं जब से रील्स आई है यूट्यूब शॉर्ट्स आई है ना और लोग ने प्रेफर करते हैं शॉर्ट वीडियो कंटेंट देखना लेकिन सिर्फ हमें आप लोग ने बनाया लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट से तो वो भी हम लोग करते हैं और शॉर्ट्स भी कर रहे हैं तो हम दोनों चीज को लेके चल रहे हैं सर आपको क्या लगता है फ्यूचर किसका ज्यादा ब्राइट है भाई अगर फ्यूचर पता हो तो मैं तो वो चीज करने लग गया था भाई लेकिन एक चीज है कि अगर आप शॉर्ट कंटेंट कर रहे हो ना तो करते रहो क्योंकि शॉर्ट कंटेंट कभी जाएगा नहीं वो हमेशा रहेगा क्योंकि टिकटॉक गया तो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट कंटेंट आया और यूट्यूब पे भी आ गया तो शॉर्ट कंटेंट चलता रहेगा लोगों को चाहिए कि हमें 15 सेकंड में या 20 सेकंड कोई हंसा दे तो वो तो चलेगा भाई बाकी लॉन्ग वीडियोस में थोड़ा रहेगा पर अगर शॉर्ट में आप घुसना चाह रहे हो तो भाई घुस सकते हो बढ़िया जब से हमने स्टार्ट किया जब से हम एक चीज कहते आ रहे हैं कि हम डरते नहीं है क्योंकि डर है डाउन भी होगी तो हो जाएगी साली नहीं आ जाएगी तो मेरा क्वेश्चन था जैसे आपने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी है तो आपको कभी एक पॉइंट आया होगा कि आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील हुआ हो कि अब नहीं हो रहा तो आपने इस चीज को कैसे कोप अप करा और वो क्या पॉइंट है यार वही मैं कह रहा हूँ गांधी जी आप भी दे दो इसका आंसर बात अगर मोटिवेशन की है ही तो सबसे पहली चीज तो मैंने पहले भी बोल की हमारी दोस्ती है हम तीनों की ठीक है सेकंडली ये था कि जब हमने स्टार्ट किया था हमारे पास मतलब हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था कुछ एक साल बाद हमने बना लिया था कि ये हमारा प्रोफेशन होगा और इससे हमें मजा आने लग गया था तो इसे वो छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है ठीक है और बात रही दूसरे काम की जब हमने ये कंटिन्यू कर लिया 3-4 साल तक दूसरा काम हमसे होगा नहीं ये कभी आया नहीं कि ये नहीं करना ये था कि करना तो यही है तरीका क्या बदलना है मतलब चेंजेस क्या लाए तो मोटिवेशन ये रही रस्ते ढूंढने की जैसे अब पॉडकास्ट आ गया कल कुछ और आ जाएगा भाई ये बन गई है इसका आंसर खास पीयूष भाई देंगे क्योंकि लड़कियों की फैन फॉलोइंग पीयूष भाई की बहुत ज्यादा बस मेरे से 20% इनके ऊपर भाई ये मतलब सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप सब बराबर हो यार आप भाइयों को भी मैसेज आता है लड़कियों को मैसेज आता है कोश हमें करते हैं रिप्लाई करते हैं लेकिन सबका नहीं हो पाता लेकिन भाई हम अरे सब एक जैसे हो यार ऐसा कुछ नहीं है लड़की का आगे हो भाई लड़की को मैसेज आगे हो ऐसा कुछ नहीं होता हम मिलिंद भाई की शादी पे गए थे तो जब आप उनसे स्टेज पे मिलने गए थे तो अपनी शादी के दिन दूल्हा दीपक से मिलते हुए क्या कह रहे हैं बेटा दीपक मेरे मुंह से अगला सवाल आया बेटा मिलिंद भाई ये कुछ प्यारी चीज लेके आए हैं भाई साहब दिखाओ भाई जनता को दिखाओ भाई बहुत बहुत शुक्रिया विशाल भाई ये किससे बनवाइए 11 बजे बैठ के बजे भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत अच्छा स्केच है भाई हेलो सभी को तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका यूट्यूब चैनल में अभी तक का सबसे बेस्ट दोस्त कौन सा है जो आप आधी रात में भी कभी फोन करो और वो आपके साथ है हर मुश्किल घड़ी में भाई तो क्या कह रहे हैं मतलब यूट्यूब क्रिएटर्स में से या फिर अदरवाइज यूट्यूब क्रिएटर में से भाई जितने भाई हमारे पॉडकास्ट पे आए ना सारे हमारे भाई हैं लेकिन फिर भी कोई ऐसा जिसके साथ आप मतलब आधी रात में फोन करो और आपको भरोसा है कि वो आएगा यार भाई एलिवेश है भाई बहुत प्यारे भाई हैं हर्ष बेनीवाल भाई हर्ष भाई जट प्रभजोत पाजी के साथ भी एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि बात करेंगे तो जरूर आएंगे और सारे भाई हैं यार दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक इतने सारे पॉडकास्ट करे हैं बट आपका ड्रीम पॉडकास्ट किसके साथ है जो आप करना ही चाहते हो भाई एक नाम का भाई ने ले लिया सोनम बाजवा एक नाम है करण औजला बाकी वैसे बाजी के बारे में सोचते थे तो जब वो पॉडकास्ट हुआ ना
तो हमें यकीन हो गया कि भाई अब कोई भी आर्टिस्ट इतना बड़ा नहीं है हम रीच में, बाकी सैलमोन भाई के साथ हो जाता है। क्या कह रहे हो, क्या आ रहा है? अरे भाई सही नाम है थोड़े से, आप लोग देखोगे ऐसे ऐसे पॉडकास्ट भाई क्यों जुड़ बोल रहे सर बोल रहे हैं पॉडकास्ट नहीं देखे हम, ऐसी वीडियो देखेंगे भाई छोड़ो। थोड़ी सी वर्सेटैलिटी लाने के लिए मैं आप सबको कहूंगा कि एक बार आप लोग भी पॉडकास्ट बना के देखो, क्योंकि ट्रेंड में है तो ब्लॉगिंग का बहुत बिल्कुल लगे। और क्या होता है ना कि पॉडकास्ट शूट करना इतना हैसल नहीं है, ब्लॉगिंग लाइफ में क्या होता है आपको जाना है, नया इवेंट दिखाना है, नई चीज दिखानी है, आज क्या करूं पैसा खर्चा करना है, पर पॉडकास्ट के लिए आपको लिमिटेड बजट में एक सेटअप बनाना है और बस। हम लोग तो इनफैक्ट ये भी करते हैं अपने स्कूल के दोस्तों को बिठा के बस बातें कर, समझ रहे हो, तो वो चीज क्रिएट करना इजी है आजकल ट्रेंड में। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि पॉडकास्ट के लिए आप लोग थोड़ा सा क्रिएट करना स्टार्ट करो, एक अच्छा चीज है। और आप सभी लोग आ गए तो ये हमारी सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है। एक बार सभी लोग अपने लिए वोट कर देंगे। मैं ऊपर आ जाऊँ, एक बार आ जाओ। अरे लवेंडर से क्वेश्चन पूछूं भाई। मैं असल में केक डॉक्टर हूँ, क्लिनिक चलाता हूँ, ठीक है। अब मुझे सुबह से नहाने का टाइम नहीं मिला, तो मैं ऐसे मुंह धोके आ गया। मैं तीनों बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ भाई, ऐसे लग रहे थे नहा के नहीं आए। सही लग रहे हैं, आप इतने बेले हो क्या, मतलब एकदम सैड हो गया। नहीं भाई, सबसे पहले तो आपकी शक्ल बता रही है, आप फंडर हो सही में, जैसा कि आपको सवाल आप डॉक्टर नहीं कंपाउंडर हो, डॉक्टर आप हो रहे हो ऐसा क्यों, क्या ऊपर हुए हो? नहीं नहीं, सच में मैं क्लिनिक चलाता हूँ सेक्टर 81 में, मेरा साथ चला था फंडर भी है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं नोटिस कर रहा था बहुत देर से भाई, एकदम सीरियस या तो बच्चे सेट नहीं हो रही, आप दोनों की है इनकी नहीं हो रही के चक्कर में, इसका एक ही आंसर रहेगा भाई बोल रहे हो। अरे भाई हम कुछ होते नहीं भाई उसके लिए, उनके चीज करने वाले, लेकिन भाई लव यू सिंधु भाई लेजेंड। YouTube स्टार्ट करने का रीजन टाइम पास भाई, अपना कॉलेज में बहुत बेल लेते भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट शॉर्ट में, जो लोग यहाँ पे YouTube कर रहे हैं ना, सिर्फ YouTube मत करना। दूसरी बात, हम लोगों ने YouTube स्टार्ट इसलिए किया था, हम साइड बाई साइड पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते वी स्टार्ट YouTube एंड देन YouTube बिकेम बिग फॉर अस, समझ रहे हो। तो इसमें फिर हमने तो फिर हमने हमारी जॉब की लगी, लेकिन हम जॉब में नहीं गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोग YouTube कर रहे हो तो किसी चीज का साइड बाय साइड करना है, कुछ चीज छोड़ के YouTube मत करना है कोई क्षेत्र में। मीटअप रहा बहुत बढ़िया, ऑसम वाला। रियल हिट की टीम बहुत ही हम्बल है यार, बहुत ही हम्बल लोग हैं। दीपक भाई, पीयूष भाई, शुभम भाई, मतलब एकदम बढ़िया ऑसम समा बांध के रखा हुआ था, और अभी भी पीछे चल रहा है, वो लोग मिल रहे हैं सबसे। तो हम और निया और रितु तो मिल के आ चुके हैं, अब तैयारी करते हैं निकलने की, क्योंकि हमको शाम को यहाँ से एक पार्टी में भी जाना है, जहाँ मम्मी, मैं, पापा, निया, रितु सब लोग जाएंगे पार्टी में। तो यस, मज़ा आ गया इन सब लोगों से मिलके। तो रितु का शायद पहला इवेंट या पहला इस तरह का मीटअप रहा होगा, रितु से एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा था, तुमने ऐसा इवेंट फर्स्ट टाइम अटेंड किया? मुझे अच्छा लगा और मज़ा आया, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे वो मैंने पूछे उनसे, फोटोज़ भी क्लिक करी थे, मिलके उनसे बहुत अच्छा लगा, और तीनों बहुत अच्छे लग रहे थे, तीनों की जोड़ी दोस्ती काफ़ी अच्छी है। पीयूष गुजर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा उनसे हैंडशेक भी हुआ था जब वो आए थे, तो मस्त रहा, बढ़िया। तो ठीक है, अब चलते हैं घर की तरफ। निया तो मस्त हो गई है खेलने में, फटाफट यहाँ से निकलते हैं, फिर हम करेंगे घर जाके पार्टी। शाम को है पार्टी, हम लोगों को जाना है वहाँ। कई सारे क्वेश्चंस भी किए आगे, पॉडकास्ट की बातें भी करी, तो सारा आपको मिल जाएगा अलग अलग ब्लॉग्स में, हमारे चैनल पे भी, औरों के चैनल पे भी, और रियल हिट के खुद के चैनल पे, इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, वहाँ जाके देख सकते हो।
तो मैं इस ब्लॉग को फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।